गौतम बुद्ध नगर में एचपी कंपनी के पेट्रोल पंप को सिटी मजिस्ट्रेट ने सील करवा दिया। सेक्टर 51 के इस पेट्रोल पंप पर तेल कम देने का आरोप लगा। पेट्रोल पंप को सील किए जाने के दौरान सिटी मजिस्ट्रेट और जिला पूर्ति अधिकारी दोनों मौजूद थे। इस कार्रवाई के दौरान मौके का जायजा लेने के साथ साथ जिला पूर्ति अधिकारी से बात की जी मीडिया संवाददाता पवन त्रिपाठी। सेक्टर 51 में बने एचपी के पेट्रोल पंप को आज सील किया जा रहा है। इसमें कई गड़बड़ियां पाई गई हैं और हम आपको बता दें कि एचपी का यही पेट्रोल पंप है जिसमें कई गड़बड़ियां पाई गई हैं। सिटी मजिस्ट्रेट और जिला आपूर्ति अधिकारी जो है वो पहुंचे हुए हैं यहाँ पर। सभी लोगों ने जाँच की और उन्होंने कई ऐसी गड़बड़ियाँ पाई हैं जिसके बाद इस पूरे पेट्रोल पंप को सील किया जा रहा है। बात करने के लिए हमारे पास जिला पूर्ति अधिकारी मौजूद हैं जिनसे बात करते हैं। सर, सबसे बड़ी बात कि क्या क्या आपने गड़बड़ियाँ इसमें देखी, क्या क्या नोटिस किया? इसमें सिटी मजिस्ट्रेट साहब की निगरानी में क्षेत्रीय का अधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी, बाट माप निरीक्षक पूरी टीम बना करके यहाँ पर आए और इसके बाद जो है यहाँ पे सारे नोजल्स के मेजरमेंट किए गए। दो नोजल्स में जो है बाट माप निरीक्षक द्वारा घटतौली पाई गई है, तो उनके स्तर से कार्रवाई हो रही है विभागीय। इसके अलावा जो है सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने जो रेकी कराई है कि मूल्य कुछ और लिया जा रहा है और पैसा कुछ और लिया जा रहा है, दो पर्चियां कुछ और दी जा रही हैं, तो इस तरह से 420 का केस बनता है और जिलाधिकारी महोदय के संज्ञान में पूरा प्रकरण आ गया है और अग्रेतर विधिक कार्रवाई भी की जाएगी। पेट्रोल पंप ऑफिस सारे सीज किए जा रहे हैं और अग्रेतर कार्रवाई विधिक और विभागीय दोनों की जाएगी। बिल्कुल, तो ये थे जिला पूर्ति अधिकारी जिनका कहना है पूरा का पूरा पेट्रोल पंप सीज किया जा रहा है और आगे की कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि इस पेट्रोल पंप से लगातार शिकायतें मिल रही थी कि प्राइस अलग देते थे और पर्ची अलग, और कई जगहों पर गड़बड़ियाँ पाई गई हैं। कई नोजल्स ऐसे पाए गए हैं जिनमें पूरा प्रॉपर तरीके से पेट्रोल जो माप के हिसाब से दिया जाना चाहिए था वो नहीं दिया जा रहा था। कैमरामैन नवीन के साथ पवन त्रिपाठी, जी मीडिया, गौतम बुद्ध नगर। तो आपको बता दें गौतम बुद्ध नगर में कम तेल इस पेट्रोल पंप पर दिया जा रहा था, जिसके बाद कार्रवाई यहां पर की गई है सिटी मजिस्ट्रेट की तरफ से। जिला आपूर्ति अधिकारी ने भी पंप को सील करवाया है और ऐसे में जो शिकायतें सेक्टर 51 की एचपी पेट्रोल पंप पर मिल रही थी और इसी के बाद ये कार्रवाई की गई है। और आपको ये बता दें कि लगातार लोगों की तरफ से भी शिकायतें की गई, जांच की गई और उसके बाद यहाँ पर सिटी मजिस्ट्रेट ने खुद इस कार्रवाई को अंजाम दिया। जिला पूर्ति अधिकारी उनके साथ थे और मिलकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया, सील इस पेट्रोल पंप को कर दिया गया। ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं हम, जिस समय आप ये पेट्रोल पंप सील किया गया, किस तरीके से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। सील्ड ये पेट्रोल पंप अब हो चुका है, यानी कि यहाँ पर से अब तेल जो है वो नहीं मिलेगा।